This about article and a uh, and and the these three words basically included in articles. Firstly, we should uh, know that कि हमें किन किन के साथ हमें articles use नहीं करना चाहिए Proper noun के साथ बिल्कुल भी articles use नहीं होता City name, country name, human beings, abstract noun, मटेरियल नाउन इन सब के साथ जो होता है हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते इट मे बी आ एन एन द तीनों में से इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे लाइक यू विल कम अक्रॉस अ सेंटेंस द चूनिया इज़ अ बिग सिटी तो चूनिया क्या है बेसिकली सिटी नेम है तो बिफोर सिटी नेम वी विल नो यूज़ ऑफ आर्टिकल तो इसलिए इट विल बी कंसिडर रॉन्ग तो यहाँ पे हम क्या इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो क्या होगा चूनिया इज़ अ बिग सिटी ओके नेक्स्ट है एन एन जो होते हैं कितने भी वॉल साउंड्स हैं वॉल वर्ड्स हैं उनके साथ हमने क्या यूज़ करना है एन यूज़ करना है अब हमें पता होना चाहिए कि वोवल साउंड्स जो है वो कौन सी हैं ए ई आई ओ यू इसके अलावा अलिफ अलिफ मद्दा और जो छोटी ये की जो साउंड्स होती हैं वो भी वोल साउंड्स ही होती हैं अब देखिए ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन अब ऑनेस्ट मैन यहाँ पे आ की साउंड दे रहा है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे एन यूज़ करेंगे आ ओनेस्ट नहीं होगा दा ओनेस्ट नहीं होगा सेम हेयर दिस इज़ एन अम्ब्रेला अब अम्ब्रेला हमें अलिफ की साउंड दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा एन अम्ब्रेला इज़ राइट आ अम्रेलाला एंड द अम्ब्रेला इज़ विल बी कंसीडर रॉन्ग तो हमने इसीलिए क्या कौन सा आर्टिकल यूज़ करना वॉल के साथ एन आर्टिकल यूज़ करना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दा दा का हमें आर्टिकल्स का किन के साथ यूज़ करना है दा का हमें फर्स्टली यूज़ करना चाहिए थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव की जो थर्ड सेकंड डिग्री है उसके साथ हमने हमेशा उससे पहले क्या यूज़ करना है लाइक दा बेस्ट दा फास्टेस्ट द मोर इसके साथ हमने इन जो इसकी थर्ड डिग्री होंगी एडजेक्टिव की उनके साथ हमने उनसे पहले हमेशा क्या यूज़ करना है दाँ यूज़ करना है और जो कम्पेरेटिव डिग्री हैं ओबियसली इट विल बी ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कम्पेरेटिव डिग्री जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कंपेयर में हमेशा कम दो चीज़ें आ जाती हैं अब हम दोनों चीज़ों से पहले क्या यूज़ करेंगे द का यूज़ करेंगे थिंग्स में लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ विल बी कंसिडर तो हमने कंपेरेटिव डिग्री जहाँ पे भी कंपेटिव डिग्री की बात आएगी दोनों से पहले हमने क्या यूज़ करना है दा यूज़ करना है अब इसका जो थर्ड यूज़ है वो है पोजेसिव केस मतलब कि इतनी हालत आ जाए कोई भी तो उससे पहले हमने दा आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना और कहना इनसे पहले हमने दा यूज़ नहीं करना ठीक है नो यूज़ ऑफ़ द बिफोर दैम पॉजिटिव केस कोई भी आ जाए तो इनसे पहले आपने क्या करना है आपने पॉजिटिव केस से पहले दा का यूज़ नहीं करना दा का यूज़ हमने कहाँ पे करना है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आ जाए उससे पहले हमने हमेशा क्या यूज़ करना है हमने दा यूज़ करना है अगर कंपेटिव डिग्री आ जाए कम्पेटिव में हमेशा टू चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने वाली दोनों चीज़ों से पहले हमने क्या यूज़ करना है दा यूज़ करेंगे इट मे बी लिविंग इट मे बी नॉन लिविंग एंड जो थर्ड यूज़ है दा का वो ये है पोजेसिव केस अगर कोई भी मुल्की हालत आ जाए तो उससे पहले हमने क्या करना है दा का यूज़ नहीं करना अगर हम इसको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल इट विल बी कंसिडर रो ओके अब हम बात करते हैं तो हमने फिर अगर हमने दाँ का यूज़ करना है इसके अलावा और किसके साथ हमने यूज़ करना है फ़र्स्ट हमने वो टू यूजेज उनके हमने कर लिए थे अब जो होता है कोई भी आ जाए रिवर नेम रिवर आ जाए कितने भी रिवर्स हैं वो आ जाए ओशन्स सी कैनल्स लैंड लैंडस्केप भी इसमें हो सकते हैं लैंडस्केप hmm, जो हमारी हैं बिफोर हॉली बुक्स ठीक है रिवर्स आ जाए रिवर्स की बात नेम्स आ जाए ओशन सी कैनल्स लैंडस्केप्स होली बुक्स इनसे पहले हमने क्या यूज़ करना है बिफोर दैम ऑलवेज वी विल यूज़ द अब हम होली क़ुरान की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं द होली कुरान का नेम आ जाए तो कंट्री नेम आ जाए या ह्यूमन बीइंग नेम आ जाए लाइक अली हुमैरा ह्यूमन बीइंग्स का नेम आ जाए तो उनके साथ हमने क्या करना है आर्टिकल यूज़ नहीं करना बिफोर यू कैन से डैट बिफोर देम नो आर्टिकल यूज़ ओके प्रॉपर नाउन आ जाए सिटी नेम आ जाए थर्ड पे कंट्री नेम आ जाए ह्यूमन बींग्स नेम आ जाए तो इन सब के साथ हमने क्या करना है नो आर्टिकल यूज़ इनके साथ हम क्या करेंगे किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा स्पोज़ लाइक डैट अगर हम चूड़िया की ही बात कर देते हैं अगर आपको एक वर्स दिया जाता है द चूड़िया द लाहौर भी हो सकता है द इस्लामाबाद भी हो सकता है इज़ इट क्लियर द चूनिया इज़ अ बिग सिटी इज़ इट राइट नो बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन विद रोल दैट विद सिटी नेम कंट्री नेम ह्यूमन बींग नेम वी विल नो यूज़ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल आ एंड एंड ओके तो यहाँ पे दाँ चूनिया आया है जो कि बिल्कुल रोंग है तो ये अगर हम इसको एग्जैक्ट राइट करेंगे तो हम डायरेक्ट ही वर्ड यूज़ करेंगे चूनिया इज़ अ बिग सिटी क्लियर तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये राइट होगा और ये क्या होगा रोंग दा चूनिया नहीं आएगा क्या आएगा चूनिया इज़ अ बिग कंट्री सॉरी सो, चूनिया इज़ अ बिग सिटी ओके okay, अगर हम फर्दर बात करते हैं तो अब दा किससे पहले आ जाते हैं अगर हम एन की बात करते हैं जो वोवल अब हम अगर हम वन बाय वन जाते हैं तो हमारे पास आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं एन किसके साथ यूज़ होते हैं एन जो आर्टिकल है ये हम यूज़ करते हैं स्पेशली वॉल के साथ ओके okay, किसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे जो वोवल वर्ड्स होते हैं यहाँ वोवल नाउन्स होते हैं अब वोवन तो हम बात कर रहे थे एन की तरफ एन जो होते हैं कितने भी वोवल्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं एन करते हैं अगर वोवल साउंड्स आ जाए तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे एन यूज़ करेंगे ए ई -E आई ओ यू ये जो साउंड्स होती हैं ये वोवल साउंड्स होती हैं इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है एन आर्टिकल यूज़ करना है लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं द एग्जांपल इज दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन अब यहाँ पे आ जाता है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन की बात आ जाती है तो यहाँ पे एज क्या है ओ आ की साउंड दे रहा है ऑन तो यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट ओ एन ऑनेस्ट की बात हो रही तो आ की साउंड हो रहा है तो ये भी अगर हम साउंड्स की बात करें तो ये भी ववुल साउंड है इसलिए हमने क्या यूज़ करना है एन ऑनेस्ट आएगा ठीक है आ ऑनेस्ट भी रॉन्ग होगा और एन ऑनेस्ट भी आ ऑनेस्ट भी रॉन्ग होगा और हम यहाँ पे द ऑनेस्ट भी यूज़ नहीं कर सकते ठीक है तो ये दोनों रॉन्ग होंगे तो हमने क्या यूज़ करना है एन ऑनेस्ट यूज़ करना है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन इज इट क्लियर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दिस इज एन अम्ब्रेला दिस इज एन अम्ब्रेला अब दिस इज एन अम्ब्रेला बात करते हैं अमरेला में जो ये यू है यहाँ पे ये आग अलिफ की साउंड दे रहा है अमरेला। अगर हम अब ये भी वॉल साउंड है तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है एन यूज़ किया है अब हम इसको आ नहीं कह सकते आमरेला भी नहीं कह सकते जो कि रोंग कंसीडर होगा और हम इसको दामबरेला भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ दा आर्टिकल भी यूज नहीं होगा ठीक है आमरेला भी रोंग होगा एन दाम्बरेला भी रोंग होगा तो ये क्या करेक्ट होगा एन अम्ब्रेला बिकॉज आ uh, यू यहाँ पे कौन सी मैं साउंड दे रहा अ uh, की साउंड दे रहा और वो साउंड कौन सी है वॉल साउंड है